मेरा नाम वसीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस में मैं हेड ट्रेनर हूँ और डाइटिशियन। जैसे आप कहीं भी जिम में चले जाओ, डाइट किंग के लिए सबसे पहले जितने भी ट्रेनर हैं वो बोलते हैं अंडा खाओ, आप चिकन खाओ, फिश खाओ, बीफ खाओ, क्योंकि जितना आपको जब गेन करना है तो आपको बीफ, चिकन, अंडा खाना ही पड़ेगा। उसके साथ आपको ब्राउन राइस, रोटी, फ्रूट्स, सैलेड, दही, तो ये आपको लोगे तो इससे आपको वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा। लेकिन खाने में एक बार में 2 घंटे गैप होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मास के तरीके से जैसे 40 किलो का बंदा है, जिसका वेट 40 किलो है, तो उसको 40 किलो के बंदे को 120 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 1 घंटे में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसी के हिसाब से तो आपका धीरे धीरे वजन ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल 40 किलो के बंदे के लिए इतना लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी क्लाइंट का 55 वेट है, उनको गेन करना है, वो गेन करने के लिए क्या है, वो एक डाइट अपना फॉलो करें। जैसे सुबह उनको एक दिन में मेरे हिसाब से उनको 15 अंडे लेने चाहिए। 15 अंडे, 400 ग्राम चिकन, 300 ग्राम फिश। उससे क्या आपका धीरे धीरे वजन बढ़ेगा। जैसे बीच में किसी लोगों की हाइट 5 फुट, 5.5 फुट के बीच में होती है, तो उन लोगों को ये डाइट लेना ज़रूरी है, जो कि हाइट के हिसाब से उनका वेट 65-70 के बीच में होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है, ओवरवेट लोग होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको खाना कम खाना चाहिए। जैसे वो सुबह उठते हैं उनको फ्रूट सैलेड लेना चाहिए या ग्रीन सैलेड लेना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनको क्या करना चाहिए, उनको खाना बहुत अवॉइड करना चाहिए, मतलब मीठा वाला खाना नहीं खाना, उन्हें मीठी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो वेज ही खाना पसंद करते हैं, उन लोगों क्या है, जैसे सुबह उठते हैं वो, उठने के बाद उनको अंकुरित दाल होती है, जैसे जितनी भी दालें होती हैं अंकुरित दाल लें, उससे प्रोटीन मिलेगा उनको। अंकुरित दाल के साथ थोड़ा पनीर या थोड़ा कोई भी फ्रूट, सेब, अनार, कोई भी डाल के मिक्स करके वो ले सकते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा सा दूध ले लें या जूस ले लें, वो उनका नाश्ता क्या है, वो प्योर वेज वालों के लिए, वेजिटेरियन के लिए यही चीज़ है, क्योंकि जितनी भी हमारी दाल होती हैं सब में प्रोटीन होता है।